नमस्कार दोस्तों, हर शिफ्ट सपोर्ट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इथेरियम क्लासिक आपके लिए अभी के टाइम पे बाय करना परचेस करना सही बन सकता है या नहीं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कॉइन मार्केट कैप पे इसकी जो प्राइस चल रही है $99 के आसपास समथिंग, यानी कि 8,200 के आसपास INR में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इथेरियम क्लासिक जो कि है और इथेरियम दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस काफ़ी है, बट मैं आपको एक ही डिफरेंस के बारे में यहाँ पे ज़्यादातर बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इथेरियम जो कि क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ इथेरियम वो जो कि क्रिप्टो करेंसी है वो बिल्कुल सिक्योर है, बट इथेरियम क्लासिक के साथ हमें यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंटली यहाँ पे श्योरली नहीं कह सकते कि ये सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में लेते हुए इस कॉइन के रिगार्डिंग चलना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं अभी आप बताता हूँ एक बार शो करके ग्राफ इसका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको शो करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे के सारे कॉइन जो हर क्रिप्टो की ट्रेंड टैगलाइन है वहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे कॉइन्स बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स को गेन करके रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इसके ग्राफ के रिगार्डिंग में आपको मैं बताता हूँ एक बार यहाँ पे जो कि इथेरियम का प्राइस पिछले कुछ दिनों से इथेरियम क्लासिक ने तो अच्छा खासा एक्सप्लोर कर दिया गया है, ठीक है। 3.5 लाख से ऊपर यानी कि 3.5 लाख के आसपास चला जा चुका है, ठीक है। तो जैसे कि उसका प्राइस वहाँ पे एक्सप्लोर हुआ है लगभग अब से 2 हफ्तों में, ठीक है, जैसे कि अप्रैल के बाद की हम बात करेंगे 4 अप्रैल 15 अप्रैल, तो यहाँ पे हमें इथेरियम क्लासिक के प्राइस में भी यहाँ पे कुछ अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि अच्छा खासा स्पाइक मैं इसको बोल सकता हूँ, जो कि 5,000 3,000 4,000 के आसपास ये चल रहा था पिछले 15 दिनों से। तो आज की डेट में इसने जो कि प्राइस को गेन कर लिया, मोमेंटम अच्छा खासा यहाँ पे गेन कर लिया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे $175 के समथिंग आसपास टच किया है, यानी कि इंडियन अगर INR में अगर हम देखेंगे तो 13,000 to 14,000 अमाउंट है इसने टच कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पे हमें शो हो रहा है, जो कि नियरली 8,000 के आसपास यहाँ पे प्राइस अभी के टाइम पे चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हाँ, तो दोस्तों अभी मैंने ग्राफ को सेट कर दिया है 3 आवर के कैंडल के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे कि चेक करेंगे 99 के आसपास इसका अभी प्राइस चल रहा है, $99 के आसपास, और सपोर्ट जोन जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है 79 यानी कि 80 या तो 85 के आसपास अगर आता है तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। अगर और आपको कितने बाय करने हैं ये भी बताऊँगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि कितना आपको रिस्क यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया 87-85 के आसपास समथिंग आपके परचेस कर सकते हैं। अगर हाई रिस्क पे परचेस करना चाहते हैं तो आप 91-95 के अंदर भी इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। ट्रेंड लाइन के थ्रू अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे जैसे कि प्राइस इसका नीचे आया है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे ये अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट करते जा रहा है। तो अभी थोड़े समय के बाद यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और नीचे आएगा, और इस जोन में आने के बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट करने के पूरे पूरे बहुत अच्छे खासे चांसेस है, ठीक है। जैसे कि इथेरियम के प्राइस में हम लोग चेक कर सकते हैं बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पंप हुआ है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जो कि है वो यहाँ पे जो कि मेंटल सेंटिमेंट्स रहते हैं उसके ज़रिए से यहाँ पे इथेरियम क्लासिक पे भी बनता ही है सवाल, क्योंकि एक रिलेटेड है, जुड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका जो कि प्राइस है यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने के बाद बहुत अच्छे खासे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे कि $177 के आसपास ये अभी तक टच हो चुके हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे $250 या तो $300 तक भी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रिस्क लेना कितना है यहाँ पे इथेरियम क्लासिक में, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे कि आपके पास अभी हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा यूनिट रहेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट आपको दोनों साइड से यहाँ पे देखना चाहिए, एक नेगेटिव साइड से भी देखना चाहिए और एक पॉजिटिव साइड से भी देखना चाहिए। अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अगर देखते हैं तो आपको वीडियो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ करना चाहिए, न्यूज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, बट आपकी जो कि ओपिनियंस है, डिसीजंस है, वो आपके सेल्फ डिसीजन से यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट पे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम पे 7,500 से लेकर 8,500 के बीच में एक यूनिट इथेरियम का अपने पास होल्ड कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको रिटर्न्स मिल सकता है, यानी कि डबल भी आपको मिल सकता है, डबल भी या तो 3x भी आपको इसको इसमें मिल सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि रिस्क कैपेबिलिटी कितना है उसके हिसाब से, और रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलते हुए इसमें जो कि एंट्री है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ
तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, जुड़ना मत भूलना, क्योंकि क्विक सिग्नल्स आपको प्रॉफिटेबल सिग्नल्स वहाँ पे भी डेली बेसिस पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली मैंने दे दी है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी रही तो लाइक किए बिना मत जाना यार। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे खासे कॉइन के साथ, तब तक आपका और आपके फैमिली का पूरी तरह से ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।